औरतें कुछ नहीं कर सकती ये तीन औरतों की कहानी है जो शादी के बाद भी नहीं रुकी और ऊपर गई है पहला रवीना मैम को हम बॉलीवुड की कई मूवीज के लिए जानते हैं जैसे के जी पत्थर के फूल मोहरा अंदाज अपना अपना इन्होंने लव मैरिज किया अनिल थदानी के साथ और इन्होंने कभी अपने करियर को नहीं छोड़ा पहला अवार्ड तो, तो हर कोई एक्टर जीत लेता है पर इन्होंने पद्मश्री अवार्ड जीत रखा है दूसरा ब्रांड वो पीटा एनडीटीवी ग्रीनाथन एम और प्लेटिनम ज्वेलरी जैसे कई ब्रांड्स का फेस बनती है और उनकी इंडोसमेंट डील दस से पंद्रह करोड़ रूपए की जाती है है तीसरा प्रोड्यूसर वो अपने प्रोडक्शन हाउस का नाम ए फिल्म रखा है वो खुद की मूवीज प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया है जैसे और पहचान चौथा टीवी स्टार वो कई रियलिटी शोज में जज बनी है जैसे सबसे बड़ा कलाकार ड्रामा कंपनी और नज बलिए नाइन वो अपने टीवी शोज के लिए एक से दो करोड़ रूपए चार्ज करती है और उनकी टीआरपी टॉप पर है आज वो साल के करोड़ों रूपए कमा लेती है और उनकी नेटवर्थ सिक्सटी करोड़ की हो गई है और आप सोचो सोचोग पैसा कमा लिया तो क्या फिलंथ्रोपिस्ट वो वुमेन एम्पावरमेंट और चाइल्ड एजुकेशन और एनिमल वेलफेयर के लिए काम करती है उन्होंने अपने सोशल वर्क से करोड़ों रुपए डोनेट कर चुकी है दूसरा माधुरी मैम को बॉलीवुड की धक धक गर्ल डांसिंग क्वीन और एवरग्रीन एक्ट्रेस के लिए जानते हैं इन्होंने 1999 में अपने हस्बैंड डॉक्टर श्रीराम नेने से शादी की थी पर इन्होंने कभी अपने करियर को नहीं भूली पहला सेलिब्रिटी वो अपनी मूवीज के लिए पांच से छह करोड़ रूपए चार्ज करती है और अवार्ड भी जीते है उनकी मूवीज ने बॉक्स ऑफिस पर हजार से बारह करोड़ रूपए कमाए हैं दो हॉबीज उन्हें डांस करना बहुत पसंद है और इसलिए वो एक बहुत ग्रेसफुल डांसर है और हर स्टाइल में डांस कर सकती है वो कत्थक से लेकर वेस्टर्न तक सब कर सकती है वो अपने डांस शो के लिए करोड़ों रुपए चार्ज करती है और जब हो सके टेलीविजन पर डांस शो की जज भी बनती है और उनकी डांस विद माधुरी नेम की ऑनलाइन डांस स्कूल भी है तीसरा ब्रांड वो कई ब्रांड्स का फेस बनी है जैसे एक्वागार्ड ओले मैगी वो हर ब्रांड को अपने ब्यूटी से प्रमोट करती है और लाखों रूपए कमाती है चौथा इन्वेस्टर वो रियल एस्टेट में काफी एक्टिव है और मुंबई ही नहीं पर अमेरिका में कई प्रॉपर्टीज रखती है रिसेंटली उन्होंने अपने हस्बैंड के साथ मिलकर गोकी नाम की स्मार्ट ब्रांड्स की कंपनी खोली शादी के साथ वो आज अपने सपने भी जी रही है जिससे वो साल के दस से बारह करोड़ रूपए कमा लेती है और उनकी नंबर नीसरा नीता अंबानी मैम को हम मुकेश अम्बानी की वाइफ के रूप में जानते हैं जब मुकेश सर ने 1985 में पेडर रोड पे प्रपोज कर दिया था तब मैम ने एक शर्त रखी थी कि शादी के बाद भी काम करना छोड़ूंगी नहीं और आज वो ना कि सिर्फ लायंस ग्रुप के डायरेक्टर है बल्कि वो रिलायंस फाउंडेशन ग्रुप की, की चेयरपर्सन और फाउंडर भी है जिसके लिए उन्होंने तीन डोनेट करे दूसरा टीम ओनर वो मुंबई इंडियंस की भी ओनर है जो आईपीएल की सबसे सक्सेसफुल टीम है तीसरा स्कूल धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल की फाउंडर भी है जो मुंबई का सबसे अच्छे स्कूलों में माना जाता है चौथा फुटबॉल वो फाउंडर है फुटबॉल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट लिमिटेड की जिसने फुटबॉल की इंडिया सुपर लीग लॉन्च करी है आप सोचोगे इतना पैसा है कहीं इन्वेस्ट भी कर लो तो इनकी सबसे बड़ी स्टेक आठ करोड़ की रिलायंस इंडस्ट्रीज में है ही